आउट तो गंगूबाई का ट्रेलर इज आउट ये मूवी एक्चुअली बहुत पहले ही रिलीज होने वाली थी बट क्योंकि उसमें आलिया थी तो इस वजह से दे रिलेटेड रीजन बींग बीच में सड़क टू का भी जब रिलीज हुआ था तब नेपोटिज्म का गुस्सा सबने उस पर निकाला एंड द फिल्म डिड नॉट वर्क जिसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स बिकेम कॉशियस दे ट्राई टू नॉट रिलीज एनी फिल्म जिसमें स्टार किड्स है वो वक्त तक जब तक सब शांत ना हो जाए बट ये फेज निकल जाएगा इसका वेट करते करते थिएटर्स ही बंद हो गए तो लो आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे लेकिन ध्यान से सुनना आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास पूछो कैसे आपकी इज्जत एक बार गई तो गई हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है साली खत्म नहीं होती

जैसे वो तापसी एंड भूमि पेड़नेकर का भी एक फिल्म आया था कैरेक्टर प्ले करने के लिए एक्चुअली ओल्ड एक्ट्रेसेस चाहिए थी बट यंग लोगों को ही कास्ट किया गया और उनके बाल सफेद कर दिए गए ये मूवी जब आया था ना तब मेनी एक्ट्रेसेस अभी हमारे उम्र के रोल भी हमें नहीं मिलेंगे तो हम कैसे काम करेंगे एटलीस्ट हमारे उम्र के रोल तो हमसे करा लो भाई दिस वॉज सेट बाय नीना गुप्ता तो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है बट आई फील ग्रेजुअली ये चेंज आएगा इतना सडन तो ये हैबिट नहीं बदलेगा बॉलीवुड में बट बींग सेट दैट इट इज नॉट ऑल फॉल्ट दैट शी वॉज ऑफर्ड दिस फिल्म यू कैन से दिस गए ना बोल देना चाहिए था विल डू दैट लाइक अगर एक नॉर्मल पर्सन को एक काम मिल रहा है उसके अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं तो डू यू थिंक सामने से वो मना करेगा और ये बोलेगा की ना ना अंडा क्वालिफाइड फॉर दिसकोर्स नॉट लेगा वो ऑफर तो नो वन कैन बी सो मॉरली राइट अनोलिया ने एक्टिंग अच्छा भी किया है बट हाँ हसीना पार्कर जैसा थोड़ा सिनारिय हो गया है जैसे उसमें भी श्रद्धा की एक्टिंग अच्छी थी बट मेचोरिटी वॉज एन देर जिस वजह से पीपल कुडेंट कनेक्ट विदर तो सेम गंगूबाई के साथ भी होगा ऐसा लग रहा है फिर दीपिका के कपड़े का नेक कितना डीप है दिस इज द टॉपिक फॉर द डिस्कशन नॉट किडिंग सच में लाइक वेन सो कॉल्ड ओपन माइंडेड लोग ऐसे बात करने लग जाएंगे तो दूसरों को तो क्या ही कहना हु आर नॉट सो अवेयर अबाउट ऑल दिस इश्यूज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसने ये पोस्ट डाला न्यूटन ऑफ बॉलीवुड द क्लोथ विल गेट टाइन एस दहराइया रिलीज डेट अप्रोचेस एंड कैप्शन में लिखा नेक लाइन एंड हेम लाइन आर गहरा तो यहाँ वो कपड़ों की नेक लाइन एंड हेमलाइन मतलब लोअर एज ऑफ द गारमेंट उसकी बात कर रहा था अभी दीपिका या अनन्या किसकी बात वो कर रहा है वन no नोस पर दोनों में से एक के बारे में ही वो बोल रहा होगा राइट बिकॉज सिद्धांत चतुर्वेदी का हेमलाइन या नेकलाइन की फॉर श्योर वो बात नहीं कर रहा यहाँ तो so, इस वजह से दीपिका टू का स्टैंड एंड रिप्लाइड से साइंटिस्ट द यूनिवर्स इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे फॉरगॉट टू मेंशन जिसको पढ़ने के बाद वो बंदे ने वापस रिप्लाई किया से डियर दीपिका आई एम नॉट मॉकिंग यू फॉर वेयरिंग टाइनी टाइनिंग यू कैन वेयर योर हमलाइन टिल योर टोज और योर इय फॉर ऑल आई केयर एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी यूर मोरन इट इज द ओनली नॉन फेक थिंग यू हैव अटर्ड इन योर एंटायर करियर लव फ्रेड तो वॉज लाइक ये रिप्लाई मुझे समझाई नहीं ही हि सेन मॉकिंग हर क्लोथ एंड वो जो चाहे पहन सकती है तो बोला ही क्यों उसके कपड़ों के बारे में लाइक like उसने ही लिखा है ना कि गहराइया के रिलीज के डेट जैसे जैसे पास आएगी कपड़े छोटे छोटे होते जाएंगे अफकोर्स इट इज नॉट मॉकिंग इंस्टेट इट इज डेरोगेटरी पहले तो जो बोलना है वो बोल देने का एंड फिर ये पूछने का कि मैंने कब बोला लाइक स्टेटमेंट ट्विस्ट करने से मीनिंग नहीं बदल जाता

Uh, just because clarify something that while uh, I did take an example of Deepika There was the intention was not to promote any film you of all. course you named the film uh, now no, You are I also naming a film. Kanga, you let are also naming a film which is coming. You are also naming a film Obviously you are being explain. planted by the Kanga, PRs of Kanga, the said Kanga, uh, uh, film people are not And you know this is an old trick last time I was banned by the media in the same press conference, it didn't lead to anything. So please have a seat. I am having my seat, Kangana, don't worry about that. But I am saying, That you can be a little polite like has been. Back and forth नहीं था, थोड़ा, भी बोल थी। तो जब मैंने थोड़ा समझने का ट्राई किया, कि किया है एंड हु पर्सन आस्किंग दिस क्वेश्चन तो ये देखने मिला की एक्चुअली वो पर्सन दीपिका के पी आर टीम में से कोई एक पर्सन है जो कई सालों से दीपिका के पी आर टीम का हिस्सा रही है एंड ऐसे इंटरव्यूज में एक्चुअली ऑल दिस टीम्स अपने अपने लोगों को भेज देती है एंड उन्हें ये बोला जाता है कि स्पेसिफिकली फिल्म या एक्टर का नाम लेके बात करना एंड सवाल पूछना जैसे गंगूबाई फिल्म का भी नाम लेते हुए एक पर्सन ने सवाल पूछा एंड फिर ये भी एंड ये इसलिए किया जाता है सो देट ऐसे इंटरव्यूज में दूसरे फिल्मों की भी चर्चा हो तो एवरी वन डस दैट देट इज है तो हो सकता है की पास्ट का कुछ बैगेज के चलते कंगना रिएक्टेड लाइक दिस क्यूँकी वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है की ये बार बार होते जा रहा है

डांस so कर पाए कैच ई बीट दैट इज ऑल वेर इज फोकस लाइस एनी वेज कीपिंग माई बैसनेस असाइड आई एम प्रेटी एक्साइटेड टू सी मी के एक तो बेचारे को हिंदी नहीं आती है ऊपर से ही इज वेरी मैनली एंड दूसरी तरफ टोनी कक्कर के लिरिक्स जो इतने माचो नहीं होते तो ये सो यार दट सेट डू लेट मी नो योर ओपिनियन कि आलिया भट्ट गंगूबाई के रोल में आपको कैसी लगी एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलोज इन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू